वेब सीरीज की बात करूं तो इसमें भसड़ ही भसड़ है, बिकॉज जो इसके मेन कैरेक्टर हैं वो एक लॉयर होते हैं, और भाई वो अपना लॉयर जो होता है, लॉयर का पूरा काम होता है उसको परस्यू कर रहे होते हैं, और उसी टाइम उनको मिलता है एक ऐसा केस जो कि उनके पूरे ज़िंदगी को ख़त्म करके रख देता है। बहुत ही खतरनाक केस होता है, बिकॉज जो उसमें स्टूडेंट होता है उसको मार्क्स कम मिले होते हैं। अब उनके साथ क्या होगा, उसमें बहुत ही पॉलिटिकल ड्रामा है, बहुत कुछ है, वो सब मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज स्टोरी पूरा ही रिवील हो जाएगा। मैंने ऊपर ऊपर से आपको हल्का सा बताया। बात करते हैं इसका सिनेमेटोग्राफी की, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिनेमेटोग्राफी है, देखने में मज़ा ज़रूर आएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पूरा कैच करके रखेगा आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। बोरिंग सीन्स बहुत ही ज़्यादा कम से कम है, देखने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। फैमिली टाइप मूवी ज़रूर है, फैमिली के साथ सब जाके इस मूवी को देख सकते हो। हॉटस्टार पे ये रिलीज़ हुआ है और 2 घंटे 5 मिनट का है। बात करते हैं एक्टिंग की, तो भाई एक्ट्रेस ने तो बहुत ही खतरनाक काम ज़रूर किया है, और भाई आपको इमोशन के साथ ही खेलेगा, मतलब जब जब उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा होगा तब तब देख के आपको भी थोड़ा सा इंटेंस फील होगा। ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स सॉन्ग, भाई बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, और उसी वजह से ये पूरा का पूरा चीज़ हो रहा है। देखने में मज़ा ज़रूर आया इस मूवी को, पर ये जो स्टोरी और प्लॉटिंग है ना भाई, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, बिकॉज बाकी के जो स्टारकास्ट हैं वो हल्के फुल्के स्लो ज़रूर हैं, पर जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और ऑसम टाइप का है, जो कि आपको टच करके जाएगा, देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सच बोलूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीदें थी नहीं इस मूवी के साथ, पर जितनी उम्मीदें थीं उससे इसने into 100 times ज़्यादा मज़ा दिया। इस मूवी ने ज़्यादा अच्छा स्टोरी निकल गया है, ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक निकल गया है। तो अगर आप फ्राइडे में बहुत सारे मूवीज़ देख के थक चुके हो तो ये मूवी आपको भी देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा मूवी है जो आपके थकावट और टेंशन को थोड़ा सा बढ़ा देगा, बिकॉज इसके जो स्टोरी है वो इस टाइप का है कि आपको थोड़ा तो टेंशन लेना पड़ेगा अपने फ्यूचर को लेके, अपने लाइफ को लेके, बिकॉज ये मिडिल क्लास का ऐसा प्रॉब्लम दिखाता है जो कि हर घर में होता है, हर जगह होता है। तो बात करता हूँ रेटिंग की, तो मैं इसको देना चाहूँगा 7.8 का रेटिंग आउट ऑफ 10, बिकॉज ये अच्छा ज़रूर था पर और भी ज़्यादा बेटर हो सकता था। बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स थे जो कि इन्होंने टच नहीं किया, उनको करना चाहिए था, मतलब वैसे ऊपर ऊपर से निकल गए हैं स्टोरी को लेकर ये। तो अगर आपने ये मूवी देख लिया तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। 2 घंटे 4 मिनट का ये मूवी है, अगर आपने देख लिया है तो बता देना प्लीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।